ये चंद कागजों पर मुश्तमिल एक चीथड़ा है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। जो पूरा पिंड मर जाए तो उसी तेनी चौधरी बनना ना, कैमला हैरिस या ट्रंप, जो मेरे बनो दोनों ही आ जाए। सियासत में वो आता है जिसके अंदर कोई गलत कीड़ा जिसे काट जाए। डोनाल्ड ट्रंप आएगा तो वो इमरान के लिए। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, अल्लाह पाक मेरे हम वतनों को और इस वतन को सलामत रखे। दुनिया की सुपर पावर अमेरिका के सुपर इलेक्शन आज हो रहे हैं। ट्रंप और कैमला हैरिस मद्द मुकाबिल हैं। पूरे पाकिस्तान में ऐसे खलबली मची हुई है जैसे इनका कोई चचाजात तायाजात कोई रिश्तेदार है जिसका कोई बहुत बड़ा कोई संगीन मसला चल रहा है। बुनियादी तौर पर सच्ची बात हम मिली दिलचस्पी, मैं अभी अपने समा के प्रोग्राम से भी फारिग हुआ हूं तो मैंने कहा ये हम अजीब से लोग हैं। ये जवाब था मेरा, थोड़ा सेंसर भी हुआ है लेकिन जवाब था मेरा कि हम अजीब से लोग हैं। कुछ लफ्ज हैं इस मुल्क में जिन्हें सुन के हमारे दानिशवरों को ना दौरा पड़ जाता है, दंदल पड़ जाती है। आईन है, जमहूरियत है, पार्लियामेंट है, फलाना है, टमकाना है। ये वो लफ्ज हैं जिन्हें सुनते ही ना या मेरी हंसी निकल जाती है या मेरा ब्लड प्रेशर चढ़ जाता है। ये अब एक आईनी वो जो है उसके हिस्से से ये इस्तेकाम माशी और सियासी और जमहूरी तलाश कर रहे हैं। पूरे आईन ने क्या दिया है आज तक? ये मोम की नाक है। इसके बारे में जनरल ज़िया ने ठीक कहा था, ये चंद कागजों पर मुश्तमिल चीथड़ा है। और आईन किन के लिए? अल्लामा इकबाल शायर मशरक, आपके कौमी शायर फलाने टमकाने सारा, उन्होंने क्या कहा था? खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। कुरान का तो कोई मुआवजा नहीं ना, कि क्या बेचते है आपका? मैन मेड, इंसानों का बना हुआ ही। हमारे बारे में शायर मशरक मुफक्कर पाकिस्तान वो क्या कहते हैं? मैं नहीं कह रहा, खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते हैं। लाइन क्या बेचता है यहां? अच्छा, अब हमें यह भी दौरा पड़ा रहता है अमेरिका में इलेक्शन हो रहे हैं। अच्छा, अगर ट्रंप आ गया तो फिर क्यों होगा? कमला हैरिस आ जाएगी, पूरा पिंड मर जाए तो सी चौधरी बनना ना। साढ़े हथियार कुछ हो रहने, साढ़े दुध च मिलावट रहनी, हमारा बेसन दो नंबर रहेगा, हमारे दफातर में रिश्वतें लेती देती रहेंगी। आप ये जो दुनिया है हमारे यहाँ की, हमारे यहाँ बदकारी, बदकिरदारी, रिश्वत हराम, जिस घर पे लिखा हो आलमिन फजल रब्बी, कभी प्रोब करके देखना। मैं आज ही वॉक में अपने साथी से बात कर रहा था अतर से, मैंने कहा जो मिलता है अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम होता है। तो मुझे जब को आठवें नवे बंदे ने हन साहब सलाम वालेकुम कहा तो मैंने वालेकुम सलाम करने के बाद मैंने अतर को कहा, मैंने कहा देखो बात सुनो, हम पूरा मुल्क 24 करोड़ पता नहीं 25-26 हो गए, 28 हैं या 30 ही हो गए, मुझे नहीं पता, ये पूरे का पूरा मुल्क सुबह दोपहर शाम एक दूसरे पर सलामती भेजता है। सलामत कुछ भी नहीं है। खुद बदलते नहीं, कुरान को बदल देते। अच्छा, इधर मुसीबत क्या पड़ी हुई है पाकिस्तानी को? 10 मंदों ने आज मुझे वॉक पे पूछा जी कौन जीतेगा, उसके असरात। मैंने कहा कुछ भी नहीं, क्या असरात? एक ग्लोबल विलेज है, उस विलेज का मोची तो भीतर खान नाई बस जो भी इस तरह के होते हैं बेचारे, पिंड का चौधरी तब्दील हो जाएगा तो आपको क्या फर्क पड़ना है? हमारे इधर जहां मैं रहता हूं इट्स अ कोऑपरेटिव, इलेक्शंस होते हैं हर 2-3 साल बाद, मुझे दिलचस्पी कोई नहीं, बस जैसा चल रहा था वैसा ही चल रहा होता है। ठीक है, बहुत सी बस्तियों से बहुत बेहतर है, लेकिन मैंने नहीं देखा आज तक कि कोई जिसे कहते हैं ना मेजर कोई फर्क आया। लेकिन अच्छा, 16 करोड़ वोटर आज अपना सदर मुंतखब करे, वो अपना करेंगे ना, भी हमें क्या है? आगे मैं मेरे सवालनामे पे लिखा हुआ है तजिया, मैं केस पे क्या तजिया है? कैमला को
मसीदी थी है, ट्रंप चाचे का पुत्र है। जैसे करतूत होंगे, जैसी हमारी स्ट्रेंथ होगी, जैसी हमारी हैसियत होगी, यही होता है। तो क्या पंजाबी का मुहावरा है, उसमें बड़ी विजडम है, वो तगड़े दा पता नहीं सत्ता भी है सौ, उसका सौ 140 का होता है, खत्म हो गई बात। माइट इज राइट, ताकत आखिरी हकीकत है, ये पूरी दुनिया की तारीख उठा के देखिए। मुसलमान जब तक कमजोर थे आपस में, जो बाद में फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया, फतह मक्का, तारीख बताने की आपको जरूरत नहीं है, माशाल्लाह सबको पता होगा। जब तक गेन नहीं कर लिया तो उस वक्त तक कैसर कसरा तो मौजूद थे, उसके बाद क्या हुआ। अल्लामा इकबाल साहब वहां भी लिखते हैं, दश्तो दश्त हैं दरिया भी ना छोड़े हमने, बहरे जुलमात में दौड़ा दिए घोड़े हमने, कब क्यों, चूंकि आप तगड़े थे। आज क्या है, ऑटोमन एम्पायर, सल्तनत उस्मानिया, खिलाफत उस्मानिया, ये तुर्की वगैरह तीन कॉन्टिनेंट्स पे हुकूमत 620-25 साल, क्यों, उस वक्त शक्लें और थी, आज और हैं। तब आप ताकतवर थे, कंटेम्प्रेरी थे, अपने अहद के साथ हम आहंग थे, तगड़े थे, खत्म। यहां पूरे मुल्क को फसाद पड़ा हुआ है, कमला हैरिस या ट्रंप, मेरे वालों दोनों ही आ जाए, मेरे दोनों ही ना आ, उसे मार्शल लग जाए, जरा कि नहीं लगना जाहिर है, उस ऊपर पार है ना, वजूहत है उसकी। हालांकि दुनिया में जितना बड़ा चूंचू का मुरब्बा इंसानी तारीख में अमेरिका है, एक मुल्क भी नहीं पूरी इंसानी तारीख, अमेरिकन है ही कोई नहीं, कोई ब्रिटिश अमेरिकन है, कोई स्कॉटिश अमेरिकन है, कोई जर्मन है, कोई फ्रेंच है, कोई इटालियन अमेरिकन है। उनके अपनी आबादी तो रेड इंडियंस की थी, उनके आपने कभी नाम भी नहीं सुने। सो बहरहाल जो बाइडन की हिमाकतें, बड़ी गलतियां, मुल्क में महंगाई हुई, दूसरे मुल्कों में खाम खा की सियासी मुदाखलत, इस तरह की वो झके झके मारता रहे, तो जंगी जुनून को हवा देना, जैसे रूस हो गया, यूक्रेन की जंग, इसराइल फलस्तीन, ये वो रोल जो भी है, जैसा भी है, लेकिन मैं क्या करूं, मातम करने का मुझे शौक नहीं है। अच्छा, अब अंदाजा लगाओ, बेसिकली सियासत में वो आता है जिसके अंदर कोई गलत कीड़ा जिसे काट जाए। अब कैमला हैरिस को भी दौरा पड़ा हुआ है, गजा जंग की यकीन दहानी करा रही है, चूंकि उसको वहां मुसलमानों के वोट चाहिए। अच्छा, उधर डोनाल्ड ट्रंप बिजनेस माइंडेड आदमी है, दो तरफा तजारत पे यकीन, इलेक्शन मुहिम के दौरान रूस यूक्रेन मशरक वस्ता में जंग बनेगी, यकीन नहीं, वो इस तरह की बात। फर्क क्या पड़ता है, मुझे सिर्फ ये बताए। उसका ये प्रॉब्लम है, मीडिया के जो हमदर्द हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, उनका ये प्रॉब्लम है, इससे बड़ा अजीबोगरीब स्टेटमेंट हो नहीं सकता। हमने भी जिंदगी गुजारी है, एक मुलाकात के बाद दोस्ती तो नहीं होती। आफ्टर द फर्स्ट मीटिंग यू इधर यू लाइक और डिसलाइक, या एक न्यूट्रल की फीलिंग आती है, उसके बाद ओवर अ पीरियड एक रिलेशनशिप है जो इंसानों के दरमियान डेवलप होता है। उसने कह दिया ये खुश हो गए हैं, वो करेगा क्या मुझे नहीं पता। सो हमारे लोगों का एक इंटरेस्ट तो डेफिनेटली इमरान, चूंकि वो सबसे बड़ा मौजू है पाकिस्तान और पाकिस्तानियों का, तो लेकिन बाकी सच्ची बात ये है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट मुझे दिलचस्पी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट, क्योंकि मैं इस दुनिया के जो अरब है इंसान में मैं हैं उनमें से मैं एक हूँ, बड़ा मोटा खानदा हूँ, पढ़ा लिखा आदमी हूँ, मुझे इस हद तक है। बाकी हमारी सेहत पे कभी किसी चीज का कोई फर्क नहीं पड़ना, जिस दिन तक हम अपने तौर तरीके तब्दील नहीं करते, हमारे निजाम में बुनियादी और जौहरी तब्दीलियां नहीं आती।